क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके बाद दोस्तों आपको पढ़ने के लिए और एक नई जो है एनर्जी मिलेगी और आपको जो ज़्यादा दोस्तों पढ़ाई की तरफ आकर्षित होंगे। दोस्तों इस समय देखिए पढ़ाई का मन ही नहीं लगता है, हमेशा इधर उधर दिमाग भटकता रहता है। अरे यार थोड़ा मोबाइल चला लूँ, थोड़ा जो पिक्चर देख लूँ, या फिर इधर उधर बहुत ज़्यादा दिमाग घूमता है। लेकिन एक बात आप उनके बारे में सोचिए, क्या दोस्तों जो बड़ी बड़ी मंजिल को हासिल किए, जैसे सचिन तेंदुलकर दोस्तों हो गया, इतना बड़ा क्रिकेटर बना, तो क्या वो भी बहाने करके ही बना होगा? नहीं दोस्तों, जो सब लोग दोस्तों सो रहे होंगे तब भी वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, तब भी दोस्तों इसीलिए दोस्तों इतना बड़ा वो क्रिकेटर बना है। तो दोस्तों आपको कुछ बड़ा करना है तो हमेशा दोस्तों ऐसे लोगों के बातें सुनिए, ऐसे लोगों की वीडियो देखिए, तब जाके आपके अंदर एनर्जी आएगी और ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे, तब पढ़ने में मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है? क्योंकि बहाने तो सब कर लेते हैं, लेकिन इतिहास वही रचता है जो बहानों को नहीं अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान जिसका रहता है। तो दोस्तों आप पढ़ाई से बिल्कुल बहाने मत करिए। अभी तो यार बहुत मन करता हो यार, क्या पढ़ के होगा, बिना मतलब का मन ही नहीं लगता है, झूठे ही पकाते रहते हैं सब। तो दोस्तों ऐसे बहानेबाजी से कुछ नहीं होने वाला है, बस समय बीत जाएगा तो केवल एक ही चीज़ रहेगा, पछतावा, जिसे कहते हैं दोस्तों पछतावा। पछताने से क्या होगा, जब समय निकल जाएगा, पछताने से कुछ मिलेगा कि समय वापस आएगा? कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों आप जी जान से लगिए, आपका जब दोस्तों मन करे, जब भी आप खाली रहें, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक ही खोल के बैठिए जिसमें आपका मन लगे, ठीक है? जिसमें आपका मन लगे वैसी चीज़ों को ही पढ़िए, फिर देखेंगे धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट है और भी चीज़ों में बढ़ने लगेगा। फिर आप दोस्तों जिसमें नहीं भी मन लग रहा है उसको आप देखिए वीडियो के माध्यम से, बुक से पढ़िए, बुक से नहीं मन लग रहा है वीडियो के माध्यम से देखिए उसको, थोड़ा थोड़ा ही समझिए, आप ऐसे ही सुनते रहिए उसको दोस्तों। फिर कभी फिर खाली रहें तो दोस्तों फिर उसको एक बार दोबारा सुनिए वीडियो को, फिर अपने से लिखिए, देखिए आपका दोस्तों जो हार्ड लग रहा है सब्जेक्ट वो भी धीरे धीरे एकदम आपको आसान बन जाएगा। बस क्या करना है दोस्तों कि आपको बने रहना है, ठीक है? आपको बने रहना है दोस्तों, जो भी डिफिकल्टी आ रही है धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगी। आप देखते रहिए, एक वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है दोबारा उस वीडियो को देखिए, फिर देखिए आपको क्यों नहीं आएगा, क्या है ऐसा जो नहीं हो सकता दोस्तों। बड़ी सी बड़ी मुश्किलों को दोस्तों आसान कर देते हैं जिनके अंदर हौसला और जुनून होता है, ठीक है? तो बस आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ हासिल करना है, तो उस हिसाब से आप मेहनत करेंगे। जब उसके बारे में सोचेंगे दोस्तों कि वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या लाइफ होगी, क्या इन्जॉयमेंट होगा, फिर उसके बाद आप ये सोचेंगे कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, तब दोस्तों आपका पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कि हाँ अगर मुझे वो लाइफ चाहिए, वो इन्जॉय चाहिए, तो उसके लिए पहले मेहनत करनी होगी। तब देखेंगे दोस्तों कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे कैसे सीढ़ियों को जो है पार करते हुए आगे बढ़ना। तो आप भी दोस्तों फिर उसी हिसाब से लग जाइए, अपने मंजिल के हिसाब से अपनी मेहनत करिए, देखेंगे कि आप एक दिन आपकी मंजिल आपके सामने होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप ऐसे ही मन से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।